हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भुट्टे का चीला बनाना बता रही हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने ये भुट्टे लिए हैं। भुट्टे को मैंने अच्छे से किसनी में किस लिया है। इसमें मैंने 10 भुट्टे, जो नॉर्मल भुट्टे आते हैं, वो लिए हैं। इसके अलावा इसमें मैंने 2 स्वीट कॉर्न भुट्टे लिए, उसको भी मैंने साथ में किस लिया है। कुछ इसमें पीसेस बड़े भी हैं, इसे हमें मिक्सी में पीसना है, इसलिए मैंने रहने दिए। इसके अलावा मैंने 2 कटोरी चने की दाल ली मीडियम साइज़ की कटोरी से। इसे मैंने अच्छे से 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया था। कम से कम आप 4 घंटे इसे भिगोइए, मैंने 6 घंटे इसे भिगो दिया था। दाल भी एकदम अच्छे से फूल के तैयार हो गई है। मैं जाल ले रही हूँ, इसके अंदर दाल को डाल रही हूँ। दाल को मैं एकदम अच्छे से चिकना पीसना, पानी थोड़ा हम कम हाथ से ही डालेंगे, इसमें एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसके अलावा मैंने 6 हरी मिर्ची ली है। 6 हरी मिर्ची को बड़े टुकड़े में काट लिया। 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी मैंने धो के साफ कर लिया है। इसे हम अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसेंगे। मैंने भुट्टे जो थे उन्हें अच्छे से धो लिया था, उसका ये गाढ़ा गाढ़ा पानी निकला, 2 ग्लास पानी मेरा ये। इसे आप थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से चिकना पीस लीजिए। इस तरह से मैंने इसे चिकना पीस लिया है। पूरी दाल इसी तरह से आप पीस के तैयार कर लीजिए। मैंने इस तरह से भुट्टे को पीस लिया, एकदम चिकना नहीं पीसा मैंने, सिर्फ इसे 1 मिनट भी मुश्किल से नहीं चलाया था। थोड़ा सा इसे चलाने ताकि हमारा ये एक जैसा हो जाए। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप। पूरे बैटर को मैंने पीसने में 2.5 ग्लास पानी यूज़ करा है। आप चाहें तो इसमें बेसन भी मिला सकते हैं, लेकिन चने की दाल से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने चने की दाल मिलाई है। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया। इसके अंदर मैं ये 3 प्याज एकदम बारीक कटे हुए डाल रही हूँ, 1 शिमला मिर्ची बारीक कटी हुई, 2 गाजर लिए मैंने, इसे भी एकदम बारीक बारीक काट लिया है, थोड़ी सी धनिया पत्ती। धनिया पत्ती आपको जितनी पसंद है उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच तिल्ली, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच से भी कम, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच जीरा। इसमें हम नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। एकदम अच्छे से ये पूरा मेरा मिक्स हो चुका है। इसे हम 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से सेट हो चुका है। इसके अलावा मैंने ये 1 स्वीट कॉर्न भुट्टा लिए थे, इसे थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उबाल लिया। इसका जो एक्स्ट्रा पानी था इसे मैंने पूरा निकाल दिया है। मैंने ये पैन गरम करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ मैं, 1/2 चम्मच से भी कम। इसके अलावा इसमें हम 1 चम्मच और 1/2 चम्मच, 1.5 चम्मच इसमें हम बैटर डालेंगे। इसे हम अच्छे से फैला देंगे। पूरे पर मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है। जो हमने कॉर्न के दाने उबाल के रखे थे उसे इस तरह से आप इसके ऊपर पूरा डाल दीजिए, ताकि हमारा दिखने में और सुंदर दिखेगा। इसे हल्का सा इस तरह से दबा देते ताकि हमारा पूरा अच्छे से ये चिपक जाए। गैस को मैंने मीडियम कर दिया है, मीडियम गैस पे ही इसे बनाना। तेज गैस पे आपका नीचे से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इस तरह से इसका ढक्कन लगा दीजिए। 2 मिनट हो गए, इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये ऊपर से पूरा इस तरह से कलर चेंज हो गया है और हमारे कॉर्न के जो दाने हमने ऊपर से डाले थे, मैं स्वीट कॉर्न वाले डाले, ये भी अच्छे से एकदम चिपक गए। बिल्कुल धीरे से एकदम सॉफ्ट रहता है ये हमारा। इसे आप इस तरह से पलट दीजिए। अब नीचे साइड में हम बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो इसे विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा ही डाला है मैंने। इसके बाद इसका ढक्कन लगा दीजिए। 2 मिनट बाद इसे हम चेक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, इसे भी हम इधर से चेक कर लेते हैं एक बार। इधर से एकदम बढ़िया कलर आ गया है। देखिए बनके तैयार हो चुका है। इसमें कॉर्न के दाने कितने अच्छे सुंदर दिख रहे हैं। इस तरह से आप बनाएंगे तो बच्चे इसके कॉर्न के दाने को निकाल निकाल के अलग से खाएंगे, इसे भी पूरा खा जाएंगे। काफी टेस्टी लगता है ये बनने में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्लीज कमेंट करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।